नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज़। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। बात करें पंचायत चुनाव का, तो लगातार उम्मीदवार अपने क्षेत्रों में, यहां तक कि अभी हम नदी घाट पर हैं और ये उत्तर मारर पंचायत का क्षेत्र है। यह नदी जो देख रहे हैं, यह कोसी नदी है और यहां पर उम्मीदवार इतने उत्सुक हैं अपने समर्थकों के साथ नदी पार करके भी जनताओं से मिलने के लिए, उनसे वोट मांगने के लिए जा रहे। इसी क्रम में हमारे साथ अभी उपस्थित हैं उत्तर मारर पंचायत के भावी मुखिया उम्मीदवार ओम प्रकाश जी, जो ये पूर्व में सरपंच भी रह चुके हैं। आइए इनसे सीधे जुड़ते हैं और वार्तालाप करते हैं कि किस मुद्दा को लेकर ये जनताओं के पास जाएंगे। पूर्व में सरपंच के पद पर न्यायपालिका का काम कर चुके हैं, अब मुखिया बनकर गांव के विकास व गांव के क्षेत्र गली मोहल्ले मोहल्ले का काम करेंगे। आइए इनसे जुड़ते हैं, सीधे वार्तालाप करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा। और आपका घर? घर बलौर पंचायत उत्तर मारर जी। उत्तर मारर से जानकारी प्राप्त हो रही है कि आप मुखिया उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं और पूर्व में आप सरपंच पद के पद पर थे, तो सरपंच के पद पर से डायरेक्ट मुखिया उम्मीदवार मारे, ये बात समझ में आई, जनता को बताइए आप। मेरे साथ तमाम उत्तर मारर के जनता मालिक सहयोग किए कि आप लोग जो है 5 वर्ष जो है न्याय का काम किए, बाघ बकरी को एक घाट में पानी पिलाए और जनता के ही सहयोग से हम जो है अपने पंचायत को विकास को लेकर के मुखिया पद से आए हैं। अच्छा, नहीं, जनताओं का अपार समर्थन था इसीलिए आप आए जी। चलिए, अच्छी बात है। तो क्या इस 5 सालों में इस क्षेत्र में कितना विकास का काम हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना बदहाली रही, कितना लूट खसूट किया गया, चाहे इंदिरा आवास में हो, चाहे शौचालय में हो, चाहे अन्य चीज़ों में हो, कितना विगत स्थिति खराब रही ये, चूँकि सरपंच थे तो आप तो बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि मुखिया पे इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ, ये इसके बारे में बताएं आप। देखिए, 5 वर्ष में मुखिया जी क्या किए नहीं किए, मैं उनके विषय में या किन्हीं प्रतिनिधि के विषय में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अच्छा। मैं यही सिर्फ कहना चाहूँगा कि मेरे पंचायत का जो हाल है वो बहुत ख़राब है। अच्छा, अच्छा। और पानी से भी घिरा हुआ है, शिक्षा का स्तर भी घिरा हुआ है। तो मेरा प्रथम मुद्दा रहेगा कि हॉस्पिटल और शिक्षा यानी महिलाओं का जो हाई स्कूल है या कॉलेज है मेरे पंचायत में नहीं है। और मेरा पंचायत का दुर्भाग्य है कि कम से कम 3-5 किलोमीटर के दूरी पर टोला टप्पर बसा हुआ है। स्वच्छ जल का भी व्यवस्था नहीं हो सका, गली नली का भी व्यवस्था नहीं हो सका, रोड रास्ता पुल पुलिया का असुविधा है, जिसके कारण हमारे पंचायत का तमाम, चूँकि मेरा पंचायत महादलितों का पंचायत है और गरीब का यहाँ जो है अधिकांश संख्या है, तो गरीबी को देखते हुए हम एक विकास की ओर मिसाल लेकर के चले हैं कि ताकि जो 10-20 वर्षों में विकास नहीं हुआ, मेरा वही सोच है कि मैं यदि जीत करके आऊँगा और भी मेरा जो पंचायत का पंचायत प्रतिनिधि बनेंगे यानी उत्तर मारर की ओर से, मैं ढोल छाप का जो मिसाल लेकर के चला हूँ, ढोलक छाप, तो उस ढोलक छाप का मान सम्मान लेकर के चलूँगा और पंचायत का जो है विकास मैं तहे दिल से करूँगा। जिंदाबाद जी। बिल्कुल, आपने बताया कि आपका चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है और ढोलक छाप के चुनाव निशान भी आप अपने गले में लेकर के आपके सहयोगी बजा भी रहे हैं, एक अच्छी बात है। गांव में एक जन जागृति आने को तैयार है और यहां के जनताओं से भी हम वार्तालाप करेंगे कि इस गांव में पंचायत का विकास कितना हो पाया, इस क्षेत्र में खास करके यहाँ के जो निवर्तमान मुखिया प्रतिनिधि जो भी थे, गाँव में कितना विकास का काम हुआ, इन हम सीधे जानने का प्रयास। क्या नाम हुआ आपका? श्रवण कुमार शर्मा। आपका घर? बलौर। देखिए, बलौर पंचायत यानी बलौर में गांव में आपका है, ये उत्तर मारर पंचायत में पड़ता है। कितना विकास का काम हुआ, क्या सकारात्मक पहल हुआ, ये बताएं आप। विकास तो जो भी हुआ हुआ, लेकिन मेरे बहुत दिक्कत है पुल के लेके। अच्छा, देखिए पुल की जहाँ तक की बात, वो तो मुखिया जी नहीं बना सकते, मुखिया जी के अधिकार क्षेत्र से बाहर, वो तो विधायक का चीज़ है। नहीं तो ऐसे विकास हुआ है। अच्छा अच्छा, जब पेट में दर्द होता है, तकलीफ होता है, बहुत बीमारी होता है, तो कैसे खगड़िया जाते हैं? पैदल जाना पड़ता है। अच्छा, खटिया पे टांग के? हाँ। एम्बुलेंस का कोई सुविधा होगा? सुविधा नहीं। चलिए, धन्यवाद। देखिए,
गांव में यहां पर नदी का कारण से लगातार बाढ़ का जमावड़ा प्रत्येक साल होता रहता है। बाढ़ के विभीषिकाओं से यहां लाखों की क्षति इनके ग्रामवासियों को होती रहती है। इसके लिए जनता सभी लोग त्रस्त और परेशान भी है। जब बात करें अगर मुखिया प्रतिनिधि का काम का बात, तो बहुत काम कुछ अच्छा भी है, बहुत काम कमियां भी रह गई है। जनताओं का अलग तरह का विचार है कि इस प्रकार से समर्थन अब कहां जाएगा, ये जनता लोग जाहिर बताएंगे। अशोक शर्मा कहां घर होले? बलोर। बलोर होले जी। ये की लेक चले छो? ढोल छाप। केकर प्रचार छे? ओम प्रकाश शर्मा का ढोलक छाप है। ढोलक छाप वही बजाए देखो, ढोलक कैसन के दो से बजा लगबो। कहाँ चलो प्रचार में? तिनगछिया सौरी। कहेला ओम प्रकाश शर्मा का मैंने प्रचार में। हाँ हाँ पैसों दल का थोड़ा ना? कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं। नहीं वही बात उठा बजा लो तक दौर से।